हेलो सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज को कवर करेंगे जो कि आप लोगों की घटना चक्र के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सीरीज को लेकर के आ रहे हैं ये आपका उत्तर प्रदेश विशेष है। जो लोग भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग RO एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आने वाले लेखपाल एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होंगे। देखो, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो उत्तर प्रदेश विशेष पर हमारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं। पूरे एक साल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई ये सारी की सारी हम लोग कवर करेंगे, और ये जो मैं कवर कर रहा हूँ घटना चक्र सीरीज होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पूरे साल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न यह है कि 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फिल्म को कर मुक्त घोषित किया गया। इस फिल्म का नाम था फिल्म हल्का। हल्का फिल्म को कर मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि हल्का प्रश्न जो है वो आखिरकार किस पर बेस्ड है, इसे कर मुक्त करने का कारण क्या था। कर मुक्त करने का कारण यह था कि स्वच्छता और शौचालय पर यह बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब आयुष्मान भारत के अंतर्गत राज्य के लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है, मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है कुल। तो कुल मिलाकर के 1,18,00,000 संख्या है। अगला, 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 20 का आयोजन किया जाएगा, मतलब किया गया, कहां पे किया गया, ये लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या होगी। देखो, ये थीम जो थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, तो ये बात याद रखो, थीम बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो थीम्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे हमारा, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित हिंदी फीचर फिल्म कौन सी है। तो एक और फिल्म थी जिसको भी इन्होंने कर मुक्त घोषित किया था, यह कौन सी थी, ये थी तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, तो तानाजी जो मूवी है आप लोगों को पता है कि ये मूवी अजय देवगन की है, तो इस मूवी को भी कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। अगला हमारा, समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है। देखिए, समन योजना 2020 का उद्देश्य है अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। ठीक है, तो याद रखें। आगे हमारा कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद का द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस नदी का नया नाम क्या होगा, तो इस नदी का नया नाम सरयू नदी होगा। ठीक है, सरयू नदी आपको पता है अयोध्या में बहती है, सरयू नदी, ठीक है, अयोध्या में बहती है। तो घाघरा नदी का नया नाम परिवर्तित करके क्या होगा, ये आपका सरयू नदी हो जाएगा। आगे अगला हमारा कि जनपद गोंडा के पस्का संकूर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज, मतलब ये बिहार में है, तथा घाघरा नदी को जाना जाएगा, सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। आगे, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह लागू की जाएगी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, यह प्रणाली लागू की जाएगी, कमिश्नर प्रणाली। अगला, वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा ये आपका 16 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 2021 के मध्य किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया, देखो ये जो किया गया गोरखपुर में ही हुआ था। कब से कब तक हुआ ये, 11 से लेकर के 14 जनवरी 2020 के मध्य किया गया। देखो, अब योगी सरकार की गवर्नमेंट है तो आपको गोरखपुर याद रखना, अगर सपा सरकार होती तो आपको सैपई महोत्सव याद रखना होता, तो अभी गोरखपुर महोत्सव आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग, 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया। ये कहां पे किया गया, ये अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं, 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा है, कौन सी है, दामिनी है, दामिनी हेल्पलाइन सेवा है। सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन सेवा आयोजित की गई, मतलब शुरू की गई। अगला,
29 दिसंबर 2019 को नाबार्ड किसान समारोह एवं किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे ये आपका किया गया? गोरखपुर में। अभी देखो, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि योगी गवर्नमेंट है, तो सारे के सारे फंक्शन वगैरह गोरखपुर में ही ज्यादा होंगे, ठीक है। अगला, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास किया। कहां पे? लखनऊ में किया। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? ये आपका कानपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किनने की? ये की है आपके नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2019 को जनपद संत कबीरदास नगर में 2 नगर पंचायत बनाने की मंजूरी प्रदान की गई। वो कौन कौन सी हैं? तो ये बखीरा और बेलहर, इस पे स्टार बना लो, अच्छा प्रश्न है। अगला, आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे कितने? देखो, 218 नियमित न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अगला, साइबर क्राइम विवेचना और महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध पर प्रदेश के अभियोजकों एवं विवेचकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहां पर? लखनऊ में। साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में हर रेंज स्तर पर स्थापित की जाएगी, क्या की जाएगी? ये की जाएगी फॉरेंसिक लैब तथा साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। अगला, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है। अगला है हमारा प्रश्न कि सर्वाधिक खरीद के लिए सुपरवायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको किया गया? उत्तर प्रदेश को किया गया, सुपरवायर स्टेट, ठीक है, सर्वाधिक खरीद के लिए किया गया। अगला प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पे? लोक भवन परिसर लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ किया गया 26 दिसंबर 2019 को। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहां पे? ये किया जाएगा महाराजगंज जिले में। राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कौन सा है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इसका नाम भी याद रखो, महाराजगंज में ही स्थापित किया गया और इसका नाम क्या है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला, देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित है? यह आपका हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है। अगला, पेप्सिको के चिप्स प्लांट की स्थापना की जाएगी, कहां पे? मथुरा में की जाएगी। अगला, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया, कहां पे? ये कुशीनगर में खोला गया, ठीक है, कुशीनगर में, खुशी खुशी। अगला, एक जनपद एक उत्पादन योजना से वर्ष 2018-19 में राज्य के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई? 28% वृद्धि हुई है, आपको मालूम होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन के थ्रू। अगला है हमारा कि 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया, कब किया गया? ये 29 नवंबर 2019 को लखनऊ में किया गया। ये डेट नहीं याद रखनी आपको, ये याद रखना कहां पे हुआ, लखनऊ में। अगला, 23 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया, यह कहां पर अवस्थित है? यह आपका लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पार्ट वन के प्रश्न, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके सारे के सारे पार्ट में लेकर के आऊंगा, इनफैक्ट ये पूरी की पूरी आप लोगों को पॉइंटर में कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियोज आए आप लोगों तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।